प्रेम करना एक बहुत ही सुखद आनंददायक अनुभूति होती है, और आजकल के जो माहौल है उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि उनका कोई ना कोई ऐसा साथी हो, ऐसा पार्टनर हो जिससे वो अपनी सुख और दुख की जो बातें हैं, जो अनुभव है, उनको साझा कर सके। क्योंकि ये जो दुनिया है इतना टेंशन फुल है, इतना तनावग्रस्त है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उनका कोई साथी हो जिनको अपने मन की बात शेयर कर सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे बेडलकी या बदकिस्मत होते हैं कि जिनको वो चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये मैं किसी विशेष पुरुष या मर्द की बात या महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मर्द भी ऐसे होते हैं कुछ और महिलाएं भी होती है कि वो जिसको पुरुष पसंद करता है उसको महिला पसंद नहीं करती, या जिसको वो महिला पसंद करती है उसको पुरुष पसंद नहीं करता। ये सारी दिक्कतें आती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं और सामने वाला भी हमें पसंद करे, उस समय जो प्यार की अनुभूति जो होती है, रोमांस की जो अनुभूति होती है, वो बेमिसाल होती है, बहुत आनंददायक और बहुत सुखद होती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जिसको हम पसंद करते हैं वो हमें इग्नोर करता है, वो हमें भाव नहीं देता, या कहना चाहिए हमसे पटती नहीं है, पट नहीं पा रही है, या हमको केयर नहीं करती, हमारी बातों का जवाब नहीं देती, हमको तुच्छ समझती है। या सामने वाला यदि कोई महिला है तो वो किसी पुरुष को पसंद करती है तो सामने वाला पुरुष जिसको पसंद करती है वो उसको हेय दृष्टि से देखता है, उनके बातों को तवज्जो नहीं देता, उनको पसंद भी नहीं करता। तो होता है कि जिसको हम पसंद करते हैं यदि वो हमको भी पसंद ना करे तो एक प्रकार की मानसिक परेशानी पैदा हो जाती है, आदमी अपने आप में आत्महीन अपने आप को फील करने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मंत्र की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि इस मंत्र को कोई भाई भी करे तो भी, और कोई बहन करे तो भी, कोई भी कर सकता है, मतलब लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसको अपना करके अपनी मन मुराद पूरी कर सकता है, और पुरुष इसको करे तो उसको उसकी जो मनमाफिक जो लड़की है वो प्राप्त हो सकती है, और यदि महिला करे तो उनको जो मनमाफिक, उनको जो भी पुरुष पसंद है वो उनको प्राप्त हो सकता है। ये उनके लिए भी लागू होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शादीशुदा की बात करता हूँ, अब ये तो बैचलर्स की बात हो गई, अविवाहित लोगों की बात अभी मैंने की। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दंपत्ति है, पुरुष महिला, जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जो पुरुष है किसी और महिला के आगोश में है या किसी और महिला की तरफ उसका ध्यान रहता है तो अपना गृहस्थी छोड़ के किसी और महिला की तरफ ध्यान देने लगता है, तो जो उसकी पत्नी है वो बहुत तनावग्रस्त हो जाती है। या कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि पति पत्नी में पत्नी किसी और के प्रति रुचि रखती है, किसी और पर पुरुष की ओर ध्यान देती है, उसकी ओर रुचि रखती है, उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है, तो पुरुष सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, कैसे करूं कि ये जो मेरी पत्नी है मेरी वफादार बनकर रहे और जो चरित्रहीनता की पराकाष्ठा पार कर रही है वो ना करे। वैसा पत्नी भी चाहती है जब पुरुष बिगड़ जाता है और वो पुरुष किसी उसके पति का किसी और औरत के साथ जब इस तरह की अवैध संबंध होता है तो पत्नी भी यही सोचती है। तो इन सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो शास्त्रों में मंत्र, जो साबर मंत्रों की जो ग्रंथ है उनमें बताया गया है, वो सब समाज में, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बताया गया है। अब इसमें इसका कोई दुरुपयोग कर दे तो कोई क्या कर पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो में इसी बात की जानकारी देने जा रहा हूँ, एक ऐसे मंत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इस मंत्र का उपयोग करके आप अपने मन माफिक जो आपका प्यार है, आपका रोमांस जिसको आप करना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जिसको आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, जिसका प्यार पाना चाहते हैं, वो इस प्रयोग को करने से वो आपके वश में हो जाएगी, आपको पसंद करने लगेगी और आपका मन पसंद प्यार आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताना शुरू करता हूँ। ये जो मंत्र है इसको, इस मंत्र को आपको पहले तो आपको इसको एक महीने तक लगातार मंत्र जाप करनी है। आप जब सोते हैं तो सोने से पहले आप एक घंटा रोज़
फिक्स समय निश्चित कर लें, 1 घंटे तक रोज अपने सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उसके सामने में आप खुद बैठें और बैठ करें जो मंत्र में, इसी में आपको डिस्प्ले दिखेगा, प्रदर्शन दिखेगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसी को आपको 1 घंटा तक लगातार जाप करनी है। इतना याद रखें कि उस दौरान आपको उठ कर कहीं नहीं जाना है, 1 घंटे तक ना किसी से बातें करनी है, सिर्फ जाप करनी है। अपने सामने दीपक जला लें, अपने और कोई इष्ट देव है जिसको आप मानते हैं उसका मूर्ति रखें चाहे तो, या चित्र रखें, और साथ में जो कंडे होते हैं गोबर के, गाय के गोबर के कंडे होते हैं उसको जला लें, उसमें आहुति देते जाएं, होम या लोभान की आहुति देते जाएं, और हर बार जितनी बार आप जाप करेंगे घंटे भर में उतनी बार उसमें लोभान या होम की आहुति देंगे आप, ठीक है। 1 महीने तक लगातार करने के बाद ये मंत्र चैतन्य हो जाता है, मतलब इसमें इस मंत्र में प्राण शक्ति आ जाता है। यदि नहीं आया तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, और अधिक जानकारी हम दे सकते हैं, लेकिन हो जाता है, मेरा अनुभव है, बहुतों ने किया है। उसके बाद अब एक्टिव हो गया है जो मंत्र है, अपने आप में क्रियाशील हो गया। इसके बाद आपको जब प्रयोग करना है तो वो कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। इसी जो मंत्र को जिसको आपने 1 महीने तक जाप किया, इसको एक्टिव किया, इस मंत्र से आपको 21 बार अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करना है किसको? 3 पान ले लें, 3 बार आपको किसी को पान खिलाना है, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, अपने मन माफी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जिसका प्यार पाना चाहते हैं, उसको 3 बार पान खिलाना है। तो एक ही बार में 3 बार पान नहीं खिला सकते आप, तो पहली बार 1 पान लेंगे, उस पान को आप 21 बार मंत्रों से जिसका आपने जाप किया है उसको 21 बार अभिमंत्रित करेंगे, मतलब उसको जाप करेंगे, जाप करने के बाद फूंक मारेंगे पान पर। पान मतलब खुला पान तो नहीं होगा, पान मतलब जो खाने वाली पान की बात कर रहा हूँ, कपरी है, बंगला है, मीठा पत्ती है, तो एक आप दुकान से बनवा लें, पान बनवा लें, और पान बनवाने के बाद उसमें अभिमंत्रित करें, जाप करें मंत्र का, उसको फूंक मारें, फूंक मारने के बाद सामने वाले को खिला दें। तो खिलाने से वो क्या होगा, पहला पान खाते ही जो भी स्त्री होगी या जो भी पुरुष होगा वो आपकी मित्र हो जाएगा या मित्र हो जाएगी। ये पहला दिन करेंगे आप, उसके बाद 2-4 दिन रुक जाएंगे, उसके बाद दूसरी बार जब फिर प्रयोग करेंगे तो दूसरी बार फिर पान खिलाने आप खिलाना है आपको पान, तो दूसरी बार फिर वही मंत्र को जो अभिमंत्रित करके फिर जाप करके फिर फूंक मारेंगे पान पर, फिर सामने वाले को खिला देंगे। तो जब दूसरी बार पान खाएगा या खाएगी तो वह आपके साथ संबंध स्थापित करने को तैयार हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा पान, उसके बाद फिर आप तीसरा पान खिलाना है आपको, तो तीसरा पान को भी वैसे ही करना है, मंत्र को आपको जाप करनी है 21 बार, जाप करने के बाद फूंक मारनी है पान पर, अब मारने के बाद अब जब भी आपको टाइम मिलता है खिलाने का अब उसको पान को खिला दें। तो तीसरी बार जब वो पान खाएगी या खाएगा तो उसके बाद वो आपके छोड़ किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकेगी वो, या कर सकेगा जब, मतलब आपके यदि पुरुष है तो उसके दिमाग में वो स्त्री छाई रहेगी, वो महिला या लड़की छाई रहेगी, और यदि वो सामने वाली लड़की है तो उसके दिमाग में वो पुरुष ही छाया रहेगा हरदम, ठीक है। अब आता हूँ इस, मैंने आपको बता दिया मंत्र को चैतन्य कैसे करना है, सक्रिय कैसे करना है, और उसके बाद खिलाना कैसे है वो भी तरीके मैंने बता दिए हैं, कोई खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। अब मंत्र की ओर आता हूँ। इसका मंत्र इस प्रकार है, श्री राम नाम रवेली अकनक बिरी, सुनिए नारी बात हमारी, एक पान संग मंगाए, एक पान सेज सो लावे, मक पान मुख बुलावे, हमको छोड़ और को देखे तो, तेरा कलेजा मोहम्मद वीर चक्के। यह मंत्र है, इसको पहले सिद्ध कर लें उसके बाद इसका प्रयोग करें, बिल्कुल आपका काम होगा, और आपका मन चाहा प्यार, आपका मन चाहा जो भी चीज़ है, मन माफिक प्यार हो, आपको हासिल होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी अधूरी अतृप्त कामनाओं को पूर्ति करने के लिए इस मंत्र का यूज कर सके, उपयोग कर सके। धन्यवाद।